हे भले मानूस, नमस्कारम, प्यार मोहब्बत स्वागतम। दोस्तों आज हम घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे द लंग्स ऑफ कोलकाता मैदान और गौड़ेर मार्ट। दोस्तों ये मैदान आज कुछ कहना चाहता है मेरे जरिए आपसे, तो चलिए कुछ बात इसकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। मैं मैदान गौड़ेर मार्ट गढ़ता हूँ भूत भविष्य वर्तमान, मेरे सीने के धूल और खेल के जुनून से नाम बनता है पहचान। मैं मैदान गौड़ेर मार्ट मेरे सीने के धूल और खेल के जुनून से नाम बनता है पहचान। दोस्तों ये था चार लाइन मैंने इस मैदान को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा है। बाकी ये कंप्लीट सॉन्ग मैं म्यूजिकली रिलीज करना चाहता हूँ, तो जो कोई मेरा म्यूजिशियन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करे इस गाने को बहुत आड़ बनाने के लिए। समझ में आया क्या? तो चलिए दोस्तों कोलकाता का प्राउड इस मैदान का किस्सा और कहानी सुन लेते हैं। इस मैदान को मैदान कहते हैं, लोकली गौड़ेर मार्ट एंड ऑल्सो नोन एज ब्रिगेड परेड ग्राउंड। ये मैदान हमारे देश का लार्जेस्ट पब्लिक पार्क और एशिया का लार्जेस्ट अर्बन पार्क है। ये मैदान करीब 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस मैदान के अंदर और भी स्पोर्ट ग्राउंड है, जिसमें से फेमस क्रिकेट वेन्यू ईडन गार्डन, सेवरल फुटबॉल स्टेडियम एंड कोलकाता रेस कोर्स। दोस्तों अभी मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा हूँ। मेरे नॉर्दर्न साइड में है राजभवन, इंडियन म्यूजियम एंड एमपी बिरला प्लानिटेरियम, और मेरे साउथ साइड में है नेशनल लाइब्रेरी, ईस्ट साइड में है हुगली रिवर जहाँ से आप प्रिंसिप घाट जा सकते हैं, ईडन गार्डन जा सकते हैं, बाबू घाट जा सकते हैं एंड वहीं से आप हावड़ा ब्रिज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे ईस्ट में विक्टोरिया मेमोरियल एंड फोर्ट विलियम है। दोस्तों आप जान लेते हैं ये मैदान बना क्यों और कैसे। बंगाल का आखिरी आजाद नवाब सिराजुद्दौला खां को द बैटल ऑफ पलासी वॉर में हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक किला और फोर्ट बनाने का, ताकि बंगाल वापिस हाथ से ना निकल जाए। इन 1758 में फोर्ट बनाने के लिए शहर के बीचों बीच बसा गोविंदपुर गाँव वासियों को हटाया गया, उन्हें मुआवजा देकर पुनर्वास करवाया गया दूसरे स्थान पर तालतोला कुमारटुली और शोभा बाजार में। 19 साल बाद 1777 में फोर्ट बनके तैयार हुआ और फोर्ट के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बाग से भरा जंगल हुआ करता था। उसी जंगल को चौरंगी गांव वासियों के द्वारा साफ करा के अंग्रेजों ने एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड बनाया, जिसे आज हम मैदान और गौड़ेर मार्ट कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी आज भी इंडियन आर्मी के अंडर में है। यहाँ आपको ट्रम और ट्रैम लाइन देखने को मिलेगा, दी 42 इंडिया का लार्जेस्ट बिल्डिंग भी देखने को मिलेगा। इस मैदान में खेल कूद के अलावा लोग पिकनिक करने, शाम का ऑफिस का स्ट्रेस दूर करने और दोस्तों के संग अड्डा मारने आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा इस मैदान का किस्सा और कहानी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फ्री का यार कर दो प्लीज। फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।